उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रोडवेज चालकों ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल की। दरअसल नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ देश के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को बस अड्डे पर पहुंचकर पता चला कि बसों की हड़ताल है, जिसकी वजह से यात्री यहां वहां भटकते रहे। सुबह से लेकर शाम तक रोडवेज के ही हालात हैं। चालकों ने चेतावनी दी कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। चालक अवधेश कुमार का कहना है कि आज के टाइम में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां कोई ड्राइवर नहीं है। सरकार ने जो ये नियम घोषित किया ये सभी के लिए है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं सभी चालकों के लिए यह नियम है, केवल बड़ी गाड़ी वालों के लिए नहीं है। यह नियम जो सरकार से निकाला है वह गलत है। डिपो में लगभग 100 से ऊपर गाड़ियां हैं। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो ड्राइवर आलू बेचना पसंद करेगा, 10 साल की सजा पसंद नहीं करेगा। जी पहले तो नाम जानने चाहेंगे सर आपको। मेरा नाम अवधेश कुमार है। क्या काम करते हैं? मैं चालक हूँ रोडवेज में। कौन सी रोडवेज? मैं निगम में हूँ, यूपी रोडवेज में निगम में हूँ। क्षमता चालक हूँ पितलंग डिपो में। जी क्या कहना चाहेंगे और किस नजरिए से आप लोग? देखिए आज की डेट में पहले नंबर पर तो हर घर में 4-6 ड्राइवर हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा हुआ जिसके घर में 2-4 ड्राइवर नहीं हैं। और जो DL के अंतर्गत आता है वो हमारे नज़र में ड्राइवर है। और जो सजा जो कदम नियम घोषित हुआ है, सरकार ने जो भी नियम घोषित किया है वो नियम सभी के लिए है, जितने भी चालक हैं। यही नहीं कि बड़ी गाड़ी वाले हैवी गाड़ी वालों को किसी को नहीं है, ये सभी गाड़ी वालों को है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर जितनी भी गाड़ियां हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत आता है उसके लिए ये नियम है। और नियम सरकार ने निकाला है गलत निकाला है, इसके क्या कायदे में विरोध होना चाहिए इसके। मगर इस तरह पब्लिक को परेशान ना करते हुए हड़ताल नहीं करना चाहिए, पब्लिक परेशान हो रही है इसमें। सजा को देखते हुए और ये जुर्माना देखते हुए ज़्यादा गलत है। जी हाँ, नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। अगर सरकार निर्णय बस की नहीं, वो तो पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही और जितना भी जो भी लीगल है या अलीगल है वो सभी लोगों पे डिफेक्ट वो पड़ रहा है। आज संचालन कल से बड़ा है और उम्मीद है हमारा अनुमंडल का भी संचालन आज चालू हुआ है कुछ गाड़ियों का, और हमारी निगम की तो कल भी कुछ चली थी और आज भी चल रही है। इस समय बसें कितनी नजर आ रही हैं? बाकी वर्कशॉप तो पूरा भरा हुआ है लगभग, मैं क्या बताया जाए, और कोई गिनती तो लगाई नहीं है। नज़र में करीब 100 से ऊपर होंगी एक डिपो में। हाँ लमसम। जी हाँ, हाँ फर्क पड़ा है। जी हाँ फर्क पड़ा है। ऐसे में 10 साल की सजा में इंसान गाड़ी चलाना बेहतर समझेगा बंद करेगा, दूसरा काम करना बेहतर समझेगा? आलू बेचना बढ़िया पसंद करेगा, ड्राइविंग से तो आलू बेचना बढ़िया पसंद करेगा। 10 साल की सजा पसंद नहीं है। बच्चे छोटे छोटे छोड़ के जाएगा, 10 साल बाद में जब आएगा तो बच्चों को बड़ा पाएगा और उसकी शादी की जिम्मेदारी होंगी, कहाँ से करेगा वो पूर्ति ये।